बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मैं अब बैठ गई हूँ, उसको स्टार्ट करने लगी हूँ। और बाकी जो मेरे पीछे बैठे हैं ना, वो कलमा पढ़ लें और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हमें की जाना, तो मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन अभी तक कोई वक्त से तैयार नहीं हो। तो मैंने कहा चलो पहले तो हम चाय पियेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे। चलें जी। हाँ, मैं चाय भी पी थी और मैंने कहा स्नैप बना लूँ और सबको सेंड भी कर दूँ। ठीक हो गया। क्या करूंगी? अच्छा, तो आज का ड्राइवर कौन है? मम्मा और बाकी सारी टीम जो है ना, मुजाहिदीन है। एक ये पक्का मुजाहिद है जो मेरे साथ बैठेगा। चलो भाई, मेरी बीनू भी रेडी हो गई है। बहुत पाली लग रही हो, ये ग्लासेस नीचे करो ना अपने। अच्छा, ये लोग अभी भी तैयार नहीं हुए थे, मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा चलो चाय भी पी लिया, फिक्स में कर भी खा लो जैसे कि लोग तैयार होते हैं। चलें जी, नीचे हम उतर आए हैं और भाई को मैंने कहा गाड़ी से निकलो भाई, अब मैंने चलानी है। और वो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो नहीं लेके जाएंगे हम भाई की गाड़ी पे ही जाएंगे। पहले सब लोग बैठ जाओ। ये तुम्हारी लाइट्स के साथ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, मैं अब बैठ गई हूँ, उसको स्टार्ट करने लगी हूँ। और बाकी जो मेरे पीछे बैठे हैं ना, वो कलमा पढ़ लें और अपने अपने सीट बेल्ट बांध लें, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये सब पीछे अपना शोर मच। अच्छा, मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू किए, क्योंकि गली में बच्चे खेल रहे थे। सब कहते हैं मुझे कि वो जो बच्चे हैं ना, उनको बाहर निकल के पहले कहूँ बेटा साइड पे हो जाओ, बेटा साइड पे हो जाओ। वैसे दिल तो मेरा यही चाह था कि मैं इनको पहले कहूँ कि बेटा आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना गाड़ी स्टार्ट तो कर लिया। आज गली में फर्स्ट टाइम मैं चला रही थी, क्योंकि इससे पहले जो है ना डायरेक्ट भाई जो है वो रोड पर मुझे लेके जाता, वहीं से मैं गाड़ी की प्रैक्टिस कर रही थी। और गली में आज मेरा जो है ना वो पहला दिन है, पहली बार। तो बस खैर खैरियत से अब हम पहुंच जाएं। वैसे मैंने फील किया गली में चलाते हुए ज़्यादा डर लगता है यार, कभी कोई बच्चा अचानक आगे से आ जाए। ये जो अंकल जा रहे हैं आगे थे, आराम आराम से चल रहे थे। मैंने कहा चलो भाई आराम आराम से आप चलते जाओ, मैं भी पीछे टिल्ली टिल्ली आ रही हूँ आराम आराम से। और ये जो मेरे पीछे मेरे घर वाले ने, इन्होंने अपना शोर मचाया हुआ है इतना ज़्यादा, ये बेचारे घबरा रहे। और सॉरी, जंप आ गया था बीच में और मैंने ध्यान नहीं किया, तो बस पहले जो बैठे हैं सब, और इनको मैंने भी डरा दिया। गाड़ी से निकल निकल बच्चों को कहना, ये मेरे पीछे इन लोगों की कमेंट्री भी सुन ले जरा आप। अरे बंदा आगे बैठा, देखिए तो देखिए वे अपनी गेम साथ लेकर आई है, खेलना आता है? पता कच्चा आगे चिरंजीवी पानी को
इधर आओ। अच्छा बिस्मिल्लाह, मेरे वहाँ पे इधर आ जाओ, चलो मेरे पास लान के पास ला जाओ। अच्छा बस ऐसी ठीक है। हाँ अच्छा, आपको आती है वो खेलनी? मेरे पास आ गया कि तस्वीर बनाओ, कैसे लग रही है ना? आप तो मुझे कह रहे तस्वीर बनाओ मेरी। yes. आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या नाम है आपका? ये नाम है yes. 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 अच्छा ये तो बहुत प्यारा बेटा है ना? कौन सा? कोई और फिल्टर लगा रहे? कोई और फिल्टर लगाओ। yes. डॉगी वाला फिल्टर लगाओ। चले जी, इतना टाइम हमने बच्चों के साथ टाइम पास कर लिया और खाना भी लग गया, अभी भूख भी लगी हुई है और हम खाना खाने ही तो आए हैं। और ये रही मेरी प्लेट, और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा भी साथ, मैंने कहा चलो स्नैप भी बना ले और स्नैप भी सेंड कर दी सबको। पार्लर खोला है? पार्लर वाला कौन है? मीनू इधर देखो, मीनू तो फिर मम्मा को देखो। सीरत का मेकअप हो गया, वो हेयर ड्राई कर रहा है। एक दूसरे का बता रही बच्चों ने नीचे अन्नी मचाई हुई थी तो हम ऊपर छत पे आ गए। छत पे आए तो ये सामने जो ना ये एयरबेस है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लैंड कर रहे थे और फिर उड़ रहे थे यहाँ से, तो लाइट ही नहीं थी तो मैंने कहा चलो नज़र तो नहीं आ रहा, हाँ कैमरा में नज़र नहीं आ रहा था लेकिन मुझे जो है ना वो नज़र आ रहा था। तो मैंने कोशिश तो बहुत की कि थोड़ा वीडियो कहीं से कुछ बन जाए लेकिन नहीं बना। चलो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कभी दिन दिन में आएंगे तो फिर हम देखेंगे, अगर हेलीकॉप्टर उड़े हुए तो तब वीडियो बना लेंगे। इसके बाद हमारी जो है वो घर जाने की बस अब तैयारी हो रही है, अब हम जाएंगे घर वापस। अब हम जा रहे हैं तो देखो मेरी तरफ, इधर सारे टॉयज क्यों निकाल दिए? हाँ जाते जाते बेचैन नहीं। चलो अब हम जा रहे हैं खेलने के लिए, नहीं अभी हम घर जा रहे हैं। उठो उठ जाओ बेटा। चलें जी, अब हम वापस जा रहे हैं घर, और वापसी में मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही डर गए थे, मैंने उनको डरा दिया था आते हुए इतना ज्यादा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी बहन माफ़ कर दो और वापसी पे तुम मत चलाना। मैंने कहा अच्छा चलो इतना एहसान कर देते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर वापस, तो मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।